देखो मांग दे मेरी मेरी अब एक एक्स्ट्रा मांग निकली है। देखो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं और टाइम भी शॉर्टेज है, बहुत काम है। तो मेरा नाखून आज दिन का सुबह रात कल रात को निकल गया था और अभी बस पूरा निकलने वाला है, खून बह रहा है, क्या बोलूं क्या करें। तो अभी टुकू का दूध बनाने आए थे, शाम की चाय बनाने आए थे, वैक्सिंग करेंगे, कल से वैक्सिंग का प्लान था। पर कल जो रात में लाइट गई थी 8 बजे से रात के 2 बजे तक, इतनी लंबा पावर कट था, इतना लंबा पावर कट था कि जिसकी कोई भी वो नहीं थी, मतलब 5 सेकंड लाइट थी ही नहीं। उसके बाद जो वैक्स था वो ठंडा हो गया, रात के 2 बजे कोई वैक्स करता नहीं। तो अभी जो है ना ये फिर से अटक गया मेरे बालों में और इसकी बैंडेज निकल गई है और मेरे को नहीं पता क्या होना है। मेरे को पता है पूरे जो उंगली है ना उसमें जोर भर रहा है। भाई कोई फोटो इसके बांधनी तो नहीं है ना अभी? बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा बतलाना था। एसी तो पहले से ही बंद था। तूने मेरा काम कर दिया, याद है मुझे क्या हुआ था? नीचे पक गया था एक बार। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। खून से मेरे स्किन से खून निकल आया था। मैं दर्द हो रहा है। डोर से बैग जाए क्या? राधा इसको इसको दर्द हो गया, मैंने सब किसे खाया वैक्स करना। ऐसे करते हैं वैक्स इसको, मैं थोड़ा सा और डबल कर रही हूँ क्योंकि ये तो भी इससे कम लगा दी गई। हाँ था आप लगा ली? ये शिवानी ने करवाया, मैं सही करती हूँ। अरे याद है तुम्हें तेरा देखो क्या हुआ इसके साथ, मेरे साथ हुआ था। अरे हमारे सोना आ गया, आ गया सोना। डकुले कौन आया? सोना सोना इधर, ओए सोना ये देख ले। अरे सोना बाबा अभी तो कहाँ लेके जा रहे हो सोना? हो गया तुम्हारा? खबर चाहिए बैठ तो थोड़ा सा अब साहब भांग तो दिए मत ना हाथ में। नहीं लैपटॉप नहीं ले बेटी। मम्मी कहाँ से लाई आपने? अभी लाई थी ये 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 मेरा अपनी ये कहाँ बनाई आपने? कहाँ बनाई है अभी कहाँ रखी मेरे को पीनी? ये बना दे ये तो क्या की मैं लगाऊंगी मैं तो लगाऊंगी ले बेटा। दोनों चीज है ना वो मिलेगी ले बाबू। अच्छी अच्छी मीठी 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 चिया ने खा ली, पेट भरेगा। चिया ने खाई, चिया खाई बाबू, चिड़िया खाई लो ले बेटे बाबू लो लो। अरे 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 क्या बात
खाने बना था डोसा और उसके बाद फिर मम्मी ने अभी इडली बनाती, तो पापा ने दीपा ने और मम्मी ने खाना खा लिया है। मैंने और अदा ने नहीं खाया, मैंने ना थोड़ा सा वो पी लिया था दही वाला, मम्मी बनाती है उसे राबड़ी, और डुगू ने भी थोड़ी सी राबड़ी और फ्रूट खाया है। तो अभी मैं यहाँ पे आके बैठी थी और मैं से सोच रही एक सूट दीपा को देती हूँ, एक मैं लूँगी अपने लिए कि पहले से सूट दिखाने वाली। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं हॉल शूट करूँगी, ऐसे मुझे लगा था कि मैं सरोजनी का भी एक हॉल शूट करूँगी, तो वो मैं करूँगी, मे बी घर जाके करूँ या फिर जैसा भी हो। पर क्या होता है ना घर में जैसा रहता है विद फैमिली, तो थोड़ी सी टाइम इधर उधर होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है आपका, कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। हम लोग वैक्स करने बैठे थे बट वही हुआ जो पहले हुआ था मेरे साथ, यहाँ पूरा चिपक गया था, अभी वापस वो मेल्ट कर रही है। पहले दीपा अपने पे करके दिखाएगी, उसके बाद ही मैं कराऊंगी, और यहाँ पे अभी भी चिपका हुआ, मुझे बहुत डर लगता है। रिका वैक्स इज लाइक सबसे ज़्यादा डेंजरस वही वैक्स होता है। तो चलिए एक ही करके मैं आपको कुछ टॉप्स दिखाती हूँ। दो बहुत ही प्यारे सूट मंगवाए, एक थोड़ा सा अच्छा येलो में है, हल्का सा ये थोड़ा आपको प्राइस ही पड़ेगा, बट डिस्काउंट मैंने लिया है ये वाला येलो में, और एक जो है ये ग्रीन में है, और कुछ टॉप है, और एक मैंने वाइट जीन्स मंगवाई। मुझे वाइट जीन्स का बहुत ज़्यादा मन था तो वो मैंने मंगवाई। एक मेरे पास ऑलरेडी वाइट जीन्स थी, बट वो जो जीन्स है ना वो हल्की सी जब पहनते हो तो थोड़ी सी टाइट लगती है, क्योंकि वो जैगिंग फॉर्म में, और कई बार जैगिंग फॉर्म में आप थोड़ा बहुत ही वेट पुट ऑन करते हो इधर उधर, तो होता है। तो चलिए अब यही करके मैं खुद भी देखना चाह रही थी। तो ये जो है ना ये कुर्ता और दुपट्टा सेट है, ये सूट काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्यारा लग रहा था। ये सूट जो है ये मैं दीपा को सोच रही हूँ देने के लिए। एक्चुअली में ना ये मैंने एक मेरे को लगा ब्रांड न्यू जो है वो मंगवाते हैं, और दीपा को मेरे को लग रहा था। पिक्चर में अटैच कर दूंगी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। लाइक ये एक ना फ्रॉक सूट है, तो एक बार मैं देखती हूँ कि इसको आते हैं नहीं आते, बस एक बार पहना के देखती हूँ। तो ये तो है वो सूट जो मैं अभी पहन को दूंगी, मैंने एक दो पीसेस और ऑर्डर करे हैं उसके लिए, तो उसका मेरा साइज जो है वो सेम है, बल्कि मेरा जो ये ब्रेस्ट वाला एरिया है वहाँ से मुझे फिटिंग इतनी गड़बड़ होती है, उसको वहाँ से सब सही है। तो ना ये जो है ये मेरे को लग रहा है इसको मैं देखिए, एक्चुअली मैंने ना ये कलर मंगवाया, कलर मेरे पास ऑलरेडी एक है, और मेरे को लगा जैसे फ्रॉक सूट में मंगवाना चाहिए, तो एक ये है और ये है इसका दुपट्टा। तो इसका दुपट्टा है वो है नेट में, तो चलिए एक बार ट्राई कराते हैं उससे, पहना के देखते हैं है ना ये पहन के कैसी लग रही है, और उसके बाद फिर हम ये वाला सूट ट्राई करते हैं, और हम एक गिफ्ट देते हैं दीपा को। हमारे सोना भाला भाजी। रात में तेरे को किसने उठाया? ये गिनने वाला। तो ये देखो कितनी फिटिंग आ रही है। अच्छा है ना? और क्यों कह रही है देखो नहीं आ रहा है? मजाक कर। ढीला। नहीं ढीला नहीं है, सही फ्रॉक सूट है। देखो नीचे से कितना अच्छा है, है ना प्यारा है ना? थोड़ा पोज मार दे। तो अभी उसने एक सूट ट्राई किया, मैंने आपको दिखा, बहुत ही प्यारा सूट है वो, और मैंने बोला जैसे कि वह सेम कलर था तो उसको मैंने वो दिया। अब ये है दूसरा सूट, तो ना इसमें ना जो सूट है वो आपको मिलेगा इन येलो कलर, और पापा खेल रहे उसके साथ। एक्चुअली सैटरडे है, कल संडे। ओ माय गॉड लाइट चली गई। और ना ये एक फ्रॉक सूट है, इसके जो क्या बोलते हैं स्लीव्स है वो है 3/4, और ये आपको लाइक इन फुल घेरे में मिला है, और पहनने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ा। इसकी चुन्नी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो ये है इसकी चुन्नी, ये भी है इन येलो कलर, और ये है आपको एक पेंट मिलती है इसके साथ इसी कलर की, तो पहनने के बाद आपको अच्छे से इसका जो लुक है वो समझ आ जाएगा। पहन लिया है, और पहनने के बाद पता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक्चुअली मुझे येलो कलर ना इन ट्रेडिशनल कपड़े बहुत अच्छा लगता है, तो एक सूट मैंने दीपा को दिमाग में लेके मंगवाया था, और एक सूट मैंने अपने आप को दिमाग में लेके मंगवाया था। तो ये जो सूट है ना ये मैंने इसके जब इसका भी पूजा हुई थी उसके लिए लगा था चेंज करने के लिए, पर उस टाइम तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, बट ठीक है कभी घर में पूजा होती है कुछ होती है। तो येलो एक ऐसा मतलब कपड़ा कलर है जो कि सब पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ना एक मैंने ये वाला लाइक सूट जो है वो मंगवाया, इसमें आपको जैसे पेंट भी मिली सब मिली, एंड प्राइस वाइज मतलब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अब आप जाके चेक कर सकते हो। दो सूट मैंने मंगवाए हैं, समरेश टॉप है, कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में ना इसमें जो सामने आपको ये रफल वर्क मिलता है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो आपको बटन मिल जाते हैं। पहनने के बाद
सीरियस ये टॉप पहनने के बाद इसका लाइक फुल गेटअप जो है ना वो पता चलता है। तो एक ये वाला टॉप मैंने मंगवाया है और साथ में मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि पहनने का क्या होता है ना, अक्सर में कन्फ्यूजन होती है कि टॉप लगने कैसे वाला है, तो ये टॉप पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। तो ये वाला एक टॉप मैंने मंगवाया है। उस इस वाले टॉप के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आई थी। तो ये जो है ना ये थोड़ा सा मल्टी कलर में है, ये मैं भी उस दिन कनॉट प्लेस गई थी तब मैंने ये पहना था और ये टॉप पहनने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें जो नेक है उसमें ज़िगज़ैग पैटर्न आता है और यहाँ पे स्माइल लिखा है। इसमें ना बहुत सारे जो कलर है वो आपको मिलते हैं। तो जब ये टॉप मैंने देखा था ना तो मुझे लग रहा था कि ऐसे लूँ या ना लूँ। तो ये करीबन मैं 2-3 महीने से देख रही हूँ ये टॉप। मैं कई बार ऐसे रहते ही कुछ सामान कंटिन्यूटी में देखती हूँ और फिर मैं उसे लेती नहीं हूँ। फिर मुझे इस बार लगा कि इस बार यार लेके देखते हैं और सच में पता है पहनने के बाद इसने एकदम से मेरा जो लुक था ना वो चेंज कर दिया था। मैं इससे पहले कोई और टॉप पहन के जा रही थी तो मैंने ये टॉप पहना और ये टॉप एकदम से लाइक आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा कर देगा। स्माइल लिखा है, अगर आप कुछ मल्टी कलर में देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉप है ये। उसके बाद मैंने ये एक वाइट में ना जीन्स मंगवाई है, ये है AKA चेक की, साइज है 32। तो 32 साइज में बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे बटन है, मैं आपको जैसे कि बताया मेरे पास एक वाइट जीन्स है वो थोड़ी सी जैगिंग फॉर्म में है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसके पहनना। तो एक मैंने व्हाइट कलर मंगवाया है। एक्चुअली मैं कभी कभी ओकेजनली व्हाइट जीन्स बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो कुछ सिलेक्टेड क्लोथिंग आइटम जो कि मैंने मंगवाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ भी अगर आपको इनमें से पसंद आया है तो लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये है राजा की इडली की प्लेट। ओह होए गिर रहा है। ओह पापा गरम है ना, गरम है ना, बताना चाहिए था ना जल गई। I'm so sorry. What happens? तेरा गरम कर कौन देता सांबर? तो गरम सांबर इडली ठंडी हो गई थी ना तो सांबर गरम कर दिया। तो दीपा को बहुत ज़्यादा गंदी खांसी है तो यहाँ पे उसकी गुड़, अदरक, तुलसी जी और काली मिर्च, लौंग और लौंग की इलायची की काढ़ा कम चाय बन रही है। यहाँ सांभर है, ये है इडली और थोड़े से राइस जो है वो भी कर रही है। यहाँ पे एक नॉर्मल चाय बन रही है। सैटरडे की लाइक रात को हम लोग चाय बड़ी पी रहे हैं। क्यों मम्मी आप क्यों नहीं पी रही ये लौंग इलायची वाली चाय? अरे वो बीमार है इसीलिए बना रही हूँ। ये होता है माँ का प्यार, माँ का प्यार बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा सोते सोते मम्मी उठ के आई, मम्मी सो गई थी बेचारी। 5:30 बजे से मम्मी मेरे लिए खाने की तैयारी कर रही थी सुबह से, ठीक है। अब रात में मम्मी मेरी बहन के लिए कर रही है। मम्मी बनकर जाओ दूध आ गया। अब मम्मी को सोने मिला नहीं है। हाँ जी हो गया, अभी तो बंद कर दूँ ना, बंद कर दूँ डालू ना। हाँ ये फटती है चाय ये वाली। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल शनिवार था पता है, बहुत रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं फिर थोड़े से, बस 2-4 दिन बचे। मेरे हाथ में ना यहाँ पे दर्द है और इस बार स्वेलिंग आई हुई है मेरी पूरी उंगली में। नाखून जो है वो आधा फंसा हुआ है अभी भी। डिगू को मैंने मसाज करिए नल्लाया है और अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो छोले भटूरे बने आज संडे के खाना है, ये बनाया है पूरा मम्मी ने। और ये मम्मी ने छोले बनाए हैं और बहुत सारी कढ़ाई करके बना दी। तो ये छोले बच जाएंगे तो रात में हम लोग छोले चावल ही खा लेंगे, तो ज़्यादा नहीं क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जितना सुबह बना लो तो बेस्ट रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने बनाई है ये हरी मिर्ची, धनिए और टमाटर की और लहसुन की चटनी जो कि बहुत अच्छी दरदरी चटनी।
इसमें है भटूरे का आटा। एक चीज तो मिसिंग है, सैलेड काटा हुआ मैंने, और ये है कचुम्बर सलाद। पापा कचुम्बर सलाद है। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची पूरा एकदम लाइक पूरा अच्छे से ग्रेट करके कद्दूकस करके बनाया जाता है, और साथ में इसमें नींबू डाला है। चलिए जल्दी से खाना जो बनाते। राजा अभी उठे हैं, नहाए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो सब ने खाना खा लिया, डुगू सो गया था। डुगू को मैंने ना मालिश करके नहला दिया था, और मेरा जो नेल है बहुत बुरी सी कंडीशन में, बुरी सी क्या है, बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली मैंने हर जगह मतलब हर जगह जा जा के लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं ऑन आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे, इन दोनों डेट में से एक है। आई थिंक वेडनेसडे को जाते नहीं, तो वो टिकट चेक करनी पड़ेगी। तो टिकट हो गए, फाइनली जा रहे थे। पूरा ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, हम लोग 25 को वहाँ से निकले थे, 26 को यहाँ पहुँचे थे, वही 20 की लाइन आ रही है। और मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग घर कब जा रहे हो, ऑलमोस्ट एक महीना हो रहा है। तो कभी कभी आप आते हो यार, हम लोग को ऐसा रहता है कि अगर हम आए हैं तो इस बार हम डुगू के कारण आ गए, वरना हम फिर 1-1.5 साल बाद आते हैं। हम लोग रेगुलर चक्कर नहीं काट पाते कि निकल भी पाते हैं वहाँ से। और इस बार ऐसा था कि नवंबर में आ गए थे हम लोग और दिवाली के लिए, और अभी इसके बर्थडे के लिए आ गए। अगर हम लोग के घर में वहाँ पे सब सही होता तो हम लोग ये बर्थडे वाली ट्रिप यहाँ पे कभी प्लान नहीं की थी। हमने मार्च मई 12 मई जब गूगल एक्सपायर हुआ था तब तक नहीं सोचा था कि हम यहाँ बना रहे। फिर उसके एक्सपायर होने के बाद जब गूगल गए, फिर हम लोगों को लगा कि अब नहीं बस, तो इसलिए यहाँ पे जो बर्थडे वो हमने प्लान किया, वरना अभी भी हम लोग नहीं आए होते। इसे जब भी मैं आती हूँ तो लाइक मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 डेज तक की ट्रिप लगा के जाती हूँ। और राजा का जो ऑफिस है वो उनके लड़का संभाल रहा है, तो उसकी वो नहीं थी। और मैंने राजा को बोला था कि अगर आपको जाना है तो चले जाना, तो उनका ऐसा था कि उन्हें कहा कि साथ में राजा नहीं, अभी उनको खाने वाने की दिक्कत होती तो वो वैसे रहते नहीं है। तो उनका जो लड़का है वो देख रहा है, बट ये कि पास आ रहे हैं देन। तो अब मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये था कि डुगू को वहाँ पे संभालना इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, खड़ा होता है वो, चलता है एक दो स्टेप बिना सहारे, चलना शुरू कर रहा है वो, तो लाइक खड़ा हो जाएगा, चलता है। और थोड़ा बहुत मेरे को वही लग रहा है कि मैं अकेले कैसे संभालूँगी यहाँ से, सारे लोगों के साथ रहने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत रेगुलर आ रहा है कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। तो अराउंड फर्स्ट जून पे मैंने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, एंड देन वो प्रेगनेंसी जो थी वो केमिकल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होके, लाइक उसमें जो हार्ट बीट थी बेबी की वो नहीं आई थी, एंड वो मिसकैरेज हो गया था। हार्ट बीट के लिए हमने स्कैन भी नहीं कराया था, वो प्रेगनेंसी चेक कराने के उस टाइप पे उसमें जी सैक था, आगे का जो प्रोसेस था वो नहीं था। मतलब उसका जो सेकेंड स्कैस वो हुआ, तो उसमें उन्होंने बोला था कि सिर्फ वेस्ट जो रहता है वो बच्चे की मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ जो थी वो पास हो गई थी। तो मेरे पास आया था कौन सा महीना शुरू हो गया है, तो अगर वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती तो जनवरी में मैं डिलीवरी होती सेकंड बेबी की मेरी, बट वो प्रेगनेंसी उसी टाइम पे हो गई थी। एक्चुअली में क्या होता है ये
कि एक दिन से आपने कोई वीडियो देखी, उसके 10 दिन तक आपने कोई वीडियो नहीं देखी, और उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा कोई ऐसा महीना नहीं चल रहा है। इट्स लाइक कि उस टाइम जो हुआ था, मैंने आपको हर वीडियो में जो जो होता रहा वो अपडेट कर दिया, क्योंकि मैं गुमराह करने में यकीन नहीं रखती, मैं जो भी रहता है डायरेक्ट बोल देती हूँ। तो ये हुआ था और बस यही था, जैसे भी था मैंने आप लोगों को बता दिया था। हाँ, उसके बाद एक स्कैन होना था मेरा, वो स्कैन मेरा नहीं हुआ, और उसके बाद जो मेरी साइकिल थी वो घर पर यहाँ पर वापस आ गई, तो स्कैन नहीं हुआ है। और अब ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सोच रही थी जाके करा लेती हूँ, वरना मेरी बहन कह रही थी उसे भी अपना स्कैन कराना है। मेरी बहन को PCOD थी, अब नहीं है, तो उसे दवाई वगैरह कराई थी, मेडिसिन वगैरह, उसको PCOD थी, उसे वेट वगैरह रिड्यूस किया था, वापस उसका प्रोटॉन हो जाता है जब आपको होती है PCOD। तो वो कह रही थी कि जब उसका साइकिल का Day 2 होता है तो वो सोनोग्राफी कराने जाएगी, तो फिर जब अगर वो जाएगी तो फिर मैं भी यहाँ पे सोनोग्राफी जो करा लूँगी। मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, छोटा सा ब्लॉग था यार, पता है थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और चोट लगी पड़ी है, नहलाना धुलाना बहुत सारा काम हो जाता है, वहाँ पे सोचिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मम्मी खाने की तैयारी कर देती है, मैं थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, वहाँ पे पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।